वेलकम बैक। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर से बिना एंटीवायरस के वायरस डिलीट करेंगे और ऐसे फोल्डर को डिलीट करेंगे जो परमिशन नहीं देते हैं डिलीट करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमने कुछ डिफाइन किया है, हिडन टेम्प्रोरी फाइल फोल्डर, टेम्प्रोरी फाइल एंड फोल्डर, वही एक्सेस डिनाइड फोल्डर या यू डोंट हैव परमिशन टू डिलीट फाइल फोल्डर, जिसमें आपको परमिशन नहीं है। मतलब आप इसको हिंदी में ऐसे समझें कि दिखाई ना देने वाले बेकार फाइल फोल्डर जो मेमोरी स्पेस को फुल करते हैं, या ऐसे फोल्डर या फाइल जो सामान्य डिलीट नहीं होते हैं। सभी कंप्यूटर के सी ड्राइव में एंटीवायरस के नाम का फोल्डर जो डिलीट नहीं होते हैं, जैसे सभी के कंप्यूटर में, आपके भी कंप्यूटर में नेट चलाते हैं तो अवस्त जो एंटीवायरस है उसका फोल्डर बन जाता है, या आपने कोई एंटीवायरस डाला है अपने कंप्यूटर में उसका वो फोल्डर रहेगा, तो वो नॉर्मली ही वो डिलीट नहीं होता है। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे डिलीट कर सकते हैं हम उसको और सामान्य टेम्प्रोरी फाइल्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज मेरा सबसे पहला है टेम्प। तो आप अपने कंप्यूटर में सिंपल विंडो आर बटन दबाएंगे और इसमें लिखेंगे TEMP टेम्प, तो ये टेम्प्रोरी फाइल ओपन करेगा। इसमें सिंपल किसी भी फाइल पे क्लिक करना है कंट्रोल A बटन दबा के, और शिफ्ट के साथ डिलीट कर दीजिए, परमानेंटली डिलीट कर देंगे इसको। यहाँ से देखिए कुछ फाइल हैं जो ये परमिशन नहीं देते हैं डिलीट होने के लिए, तो इसको भी हम डिलीट करना सीख सकते हैं। फिलहाल हम इसको स्किप कर देते हैं, कंटिन्यू। तो ये कुछ फाइल हैं जिस पे ये लॉक का साइन लगा हुआ है, तो ये डिलीट नहीं हो रहे। चलिए नेक्स्ट, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लोज करते हैं। नेक्स्ट मेरा जो है वो है टेम्प, फिर से विंडो आर, परसेंटेज का साइन देंगे टेम्प, और फिर परसेंटेज ऑफ करेंगे। इसमें भी कुछ बहुत सारी फाइलें आई हुई हैं जो बेकार की फाइलें हैं, तो कंट्रोल ए करेंगे, शिफ्ट के साथ डिलीट मारेंगे इसको भी, यस। और इसमें भी कुछ जो है जो वो हमको परमिशन नहीं देती हैं, देखिए ट्राई अगेन, स्किप किया हमने, ट्राई अगेन, ये भी नहीं, स्किप, ट्राई अगेन, स्किप। तो ये कुछ टेम्प्रोरी फाइलें हैं जो हमको परमिशन नहीं देती हैं डिलीट करने के लिए। चलिए हम इसको भी क्लोज करते हैं, सॉरी। नेक्स्ट जो है मेरा वो है प्रीफेच। इसको भी आप विंडो आर के साथ रन कराएंगे, PRE प्रीफेच, इंटर, कंटिन्यू। ये भी कुछ बेकार की फाइलें हैं आपके कंप्यूटर में, इसको भी आप कंट्रोल ए करके डिलीट करेंगे शिफ्ट के साथ, यस। तो ये सारी डिलीट हो गई फाइल। नेक्स्ट जो है वो क्लीन MGR है। क्लीन MGR को दूसरा रूप डिस्क क्लीनअप भी बोलते हैं विंडो आर, आप इसमें लिखेंगे क्लीन MGR, एंटर मारेंगे। तो ये जो है ये डिस्क क्लीनअप है। आप डिस्क क्लीनअप को स्टार्ट बटन से भी ले सकते हैं, स्टार्ट में यहाँ से ऑल प्रोग्राम, यहाँ से एसेसरीज, और एसेसरीज में सिस्टम टूल, और सिस्टम टूल में आपको यहाँ पे डिस्क क्लीनअप दिखाई देगा, जो सेम चीज़ यहाँ पे ओपन है क्लीन MGR के माध्यम से। तो इसको हम ओके करते हैं सी ड्राइव को। तो सी ड्राइव में जो भी टेम्प्रोरी फाइल हैं वो आपको दिखाई देंगी, थोड़ा वेट करना होगा। ये आपके सामने दिखाई देगा जिसमें 27 MB का स्पेस लिए हुए हैं। अब इसमें
एक तो डायरेक्ट हम ओके करके डिलीट मार सकते हैं, दूसरा इसमें है कि आप इसको क्लीन अप डिस्क फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से रीलोड होगा। यहाँ पे ये फिर से रीलोड होगा, इसको ओके करेंगे। इसमें वो ऑप्शन नहीं आया, और इसमें देखेंगे तो आपको 29 MB का टेम्प्रोरी फाइल है। इसमें आप सिंपली क्या करेंगे कि सब में टिक लगा देंगे, जो भी अनटिक होगा, जैसे ये है इसको भी टिक लगाओ। टिक लगाने के बाद सिंपल आपको ओके दबाना है, डिलीट फाइल कर देना है। थोड़ा वेट करना होगा, ये डिलीट होगा। हो गया, फिर से क्लीन एम जी आर सी ड्राइव ओके। देखिए इसके अंदर सारी फाइलें डिलीट हो गई हैं, अब 0 बाइट की है। यहाँ से आप ओके करके हटा देंगे इसको, इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है। फिर से हम लोग विंडो आर क्लीन एम जी आर, और यहाँ पे अलग अलग ड्राइव चूज़ कर सकते हैं, जैसे ई ड्राइव। ई ड्राइव इसलिए हम चूज़ कर सकते हैं, देखिए यहाँ रिसाइकल बिन चेंज करने का एक ऑप्शन होता है कि आप रिसाइकल बिन का जो डेस्टिनेशन है वो अपने सी ड्राइव से अलग कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन देता है क्लीन एम जी आर कि आप अपने ड्राइव को चेंज कर सकते हैं कि वहाँ से अगर कोई जंक फाइल है तो डिलीट कर पाए, तो आप यहाँ से ओके कर सकते हैं। देखिए रिसाइकल बिन का ही एक ऑप्शन दिया है, तो रिसाइकल बिन मेरा सी ड्राइव पे ही है इसलिए इसके पास कोई भी जंक नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है DFR GUI, डिस्क डिफ्रैगमेंट होता है। इसको भी रन करा के दिखाते हैं आपको, DFR GUI। ये भी सेम जो है आपको डिस्क क्लीनअप जहाँ से आप स्टार्ट बटन से ओपन करते हैं वहीं मिलता है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस करता है, इसलिए मैं आपको इसको चला के नहीं दिखाऊंगा। आप सिंपल जब भी एंटीवायरस, मतलब जब भी आप अपने कंप्यूटर में एप्लीकेशन कोई डालते हैं तो वो अपना एक स्पेस ले लेता है, और उसके बाद जब आप उसको डिलीट करते हैं फिर भी वो अपना स्पेस छोड़ता नहीं है, कुछ स्पेस रखे रहता है अपने पास। तो उन सारे स्पेस को ख़त्म करने के लिए हम डिस्क डिफ्रैगमेंटर को चलाते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिंपल आप यहाँ से क्या करेंगे कि डिफ्रैगमेंट करेंगे तो वो एनालाइज करेगा, पहले एनालाइज करेगा फिर डिफ्रैगमेंट करेगा। ये रनिंग है, ये टाइम लेता है कुछ ज़्यादा ही, तो अब इतना तो हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं कि ये अपना होते रहेगा। नेक्स्ट जो है मेरा वो है एक्सेस डिनाइड परमिशन मैनुअल। एक्सेस डिनाइड परमिशन मैनुअल कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं, और अपने डेस्कटॉप पे आप देखते हैं कि मेरे पास कुछ फोल्डर्स हैं, जैसे फोल्डर 2, 3, 4, 5, 6। तो इस सब को मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, सिंपल इसको क्या करेंगे डिलीट, तो बोलता है डिलीट, हाँ यस, लेकिन बोलता है कि यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन टू डिलीट दिस फोल्डर। मतलब आपके पास परमिशन नहीं है जो आप किसको डिलीट करें, यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन, तो हम इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो डिलीट करने के लिए हमको मैनुअल सेटिंग करनी पड़ेगी कुछ। मैनुअल सेटिंग करने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें,
प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी नाम का एक ऑप्शन है, इसके पास एडवांस है। एडवांस में जाके ऑनर के पास आप जाएंगे, ऑनर से एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद यहाँ पे अगर आपका नहीं दिखाई देता है ये यूज़र नेम, तो आप यहाँ से अदर यूज़र और ग्रुप करेंगे। यहाँ पे अपने कंप्यूटर का यूज़र नेम डालेंगे जो आपके कंप्यूटर में यहाँ पे है, ये एक्शन सेंटर है, तो हम यहाँ पे एक्शन सेंटर लिखेंगे, एक्शन स्पेस सेंटर, और यहाँ से चेक नेम करेंगे, तो वो नेम चेक करेगा कि हाँ है। अगर हमने कुछ गलत डाला होता तो वो चेक नहीं कर पाता, जैसे एक्शन हमने दिया और चेक करके देखते हैं तो वो चेक नहीं करेगा क्योंकि इस नाम का कोई नहीं है। तो आपको डालना पड़ेगा पूरा जो भी आपका यूज़र नेम है, उसको चेक नेम करके ओके करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर ओके करके रिप्लेस करके यहाँ से ये वाला ऑप्शन आप यहाँ से अप्लाई करेंगे, यस करेंगे, ओके ओके कर देंगे, यहाँ से ओके करेंगे, इसको फिर से ओके करेंगे, और फिर से हम इस फोल्डर पे दोबारा से प्रॉपर्टी में जाएंगे, सिक्योरिटी के पास जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, और यहाँ से परमिशन वाले सेक्शन से ना इसके अंदर कुछ परमिशन चेंज करनी है, तो यहाँ पे चेंज, और यहाँ पे सिंपल चेंज परमिशन में जाके आप यहाँ से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि आपका यूज़र नेम आया हुआ है। अगर आपका यूज़र नेम यहाँ नहीं आएगा तो आपको ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से रिप्लेस ऑल चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे टिक करना है, सिंपल यहाँ से अप्लाई करना है, यस, और यहाँ से ओके बटन दबा देना है, फिर से ओके, फिर से ओके, फिर से हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, और इस फोल्डर को आसानी से आप डिलीट करेंगे। राइट क्लिक किया हमने, डिलीट, यस, डिलीट हो गया क्योंकि मेरे पास परमिशन था। तो ये मेरा मैनुअल सेटिंग था। अब हम आगे की बात अगर करें तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो कुछ कुछ सॉफ्टवेयर है जो डिलीट करता है इन सब चीज़ों को। चलिए हम सॉफ्टवेयर से दिखाते हैं। जैसे फोल्डर 3 जो है, इसको अगर हमने डिलीट किया तो ये परमिशन चाहिए इसको भी, जो मेरे पास परमिशन नहीं है, तो इसको हम सॉफ्टवेयर से डिलीट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कुछ कुछ सॉफ्टवेयर है जो हमने डाउनलोड की है, आपको भी मैं लिंक में दे दूंगा जिससे कि आप डाउनलोड कर पाएँ। तो यहाँ सबसे पहले है टेक ऑनरशिप, आप ऑनरशिप ले सकते हैं। देखिए ऑनरशिप लेने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक किया हमने, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है मेरे कंप्यूटर में, तो यहाँ पे ओपन के बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है टेक ऑनरशिप, यहाँ पे क्लिक किया हमने, इस कुछ CMD कमांड रन होगा ऑटोमेटिक, और उसके बाद आपके पास वो परमिशन आ जाएगा। अब इसको आप डिलीट बटन से डिलीट कर दीजिए, यस हो गया डिलीट। उसके बाद है और भी कुछ सॉफ्टवेयर है उसमें, फाइल, ये फाइल SSN है जो केवल फाइल डिलीट करता है, लॉक हंटर है जो फोल्डर डिलीट करेगा। देखिए लॉक हंटर कैसे डिलीट करेगा, ये है लॉक हंटर का कोई एप्लीकेशन जो इंस्टॉल होता है तो वो डेस्कटॉप पे आपको दिखाई नहीं देगा, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और व्हाट इज़ लॉकिंग दिस फोल्डर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सिंपल यस, ये एप्लीकेशन इधर रन हो गया है, और उस फाइल को क्या करना है तो डिलीट करना है, तो यहाँ से डिलीट बटन दबाया। अब ये फाइल जो है कैन नॉट डिलीट, सी ड्राइव यूज़र एक्शन सेंटर डेस्कटॉप पे 4 नाम की फाइल जो है वो डिलीट नहीं हो रही है, तो इसको आप, इसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ है कि डिलीट एट नेक्स्ट सिस्टम रीस्टार्ट, ये अच्छा ऑप्शन दिया है इसके बाद कि जो भी फाइल डिलीट ना हो तो इसको नेक्स्ट रीस्टार्ट पे डाल दीजिए। जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले काम करेगा कि उस फाइल को डिलीट कर देगा,
और आपके स्क्रीन पे वो मैसेज शो करेगा कि ये रीस्टार्ट होने पे वो डिलीट कर दिया है। तो ये है एक ऑप्शन इससे, और भी इस पे मैं आपको दिखाता हूँ। और भी कुछ कुछ सॉफ्टवेयर हैं, जैसे वॉइस फोर्स है, ये एसियन वाला है, तो हम इसे भी डिलीट कर पाएंगे। मैं इन सब का लिंक आपको डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उससे देख पाएंगे। उसके बाद है मेरे पास अगला टॉपिक 8 नंबर में, मल्टी सिस्टम एप्लीकेशन को रन कैसे करते हैं। जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि कंप्यूटर में कितने सारे एप्लीकेशन रन होते हैं। तो उसके लिए हमने एक पीडीएफ फाइल बनाई है, उसको आप मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, उसको आप देख के रन करा पाएंगे। तो पीडीएफ फाइल मैं आपको सिंपल ऐसे दिखाता हूँ, विंडो कमांड फॉर रन एप्लीकेशन। देखिए कि ये कुछ कमांड है, जैसे डॉक्यूमेंट आपको फोल्डर ओपन करना है तो रन में डॉक्यूमेंट लिखना होगा, वीडियो का फोल्डर ओपन करना है तो वीडियोज़ लिखना होगा, डाउनलोड खोलने के लिए डाउनलोड्स। तो ये हम डायरेक्ट रन से खोल सकते हैं, हमको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेटर के लिए CLC कैरेक्टर मैप है, कमांड प्रॉम्प्ट है, कंट्रोल पैनल है, डेट एंड टाइम खोल सकते हैं हम, डेट एंड टाइम सेटिंग का ऑप्शन जो है, डिस्क क्लीन अप, डिफ्रैगमेंट, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल सकते हैं हम आसानी से, ऐसे मैग्नीफायर है, माउस है, नोट पैड है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, पेंट है, पावर ऑप्शन है, जहाँ से हम स्टैंड बाई का ऑप्शन वगैरह चूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। तो ऐसा बहुत सारा ऐसा टूल है। तो यहाँ पे हमने 37 को जो प्राइमरी में रखा है, ये 37 हमने प्राइमरी कर दिया है, कि ये तो कॉमनली आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन उससे नीचे सीरियल नंबर्स किया है कि 170, इतना सारा इसके अंदर फाइल है। आप एक एक फाइल को रन करा के देखेंगे 170। तो आज के इस जो वीडियो में हमने जो बात की वो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।